ए चांद तेरी चांदनी की कसम मेरे पास भी अब चांद है। ए चांद तेरी चांदनी की कसम मेरे पास भी अब चांद है। तुझमें तो फिर भी दाग है मेरा चांद तो बेदाग है। तुझमें तो फिर भी दाग है मेरा चांद तो बेदाग है। 23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। चंद्रयान 3 ने कल शाम 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिखाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का जश्न मना रहा है। हर भारतीय के लिए ये एक गौरवान्वित पल रहा है। इसरो की इस कामयाबी ने पूरे भारत का सिर दुनिया में ऊंचा कर दिया है। चांद पर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो की नजरें अब सूरज पर है। भारत के चंद्रयान 3 ने बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया। साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसरो के आने वाले आगे के मिशन के बारे में और मिशन चंद्रयान 3 से देश और दुनिया को क्या मिलेगा और क्या होगी चुनौतियां। इसरो का अगला मिशन आदित्य AL-1 है, जिसमें सूरज की स्टडी की जाएगी। सूरज का अध्ययन करने वाला ये पहला भारतीय मिशन होगा। इसे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य के विभिन्न परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पैलोड ले जाएगा। इस मिशन के जरिए सूर्य की गतिविधियों को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। मिशन आदित्य AL-1 सितंबर 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके बाद है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। मिशन आदित्य AL-1 के बाद लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर इसरो काम करेगा। ये जापान की जैक्सा और भारत की इसरो का संयुक्त मिशन होगा। इसमें नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपकरण भी होंगे। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल होंगे। इसे 2024 के बाद लॉन्च करने की योजना है। इस मिशन के बाद इसरो अगले साल जलवायु परिवर्तन के निगरानी के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी निसार लॉन्च करेगा। इसे नासा और इसरो की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए डेटा प्रदान करेगा। इसे भी 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। निसार के बाद मिशन गगनयान। ये मिशन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए होगा। ये इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रारंभिक चरण होगा। इस मिशन के 3 चरण होंगे, जिसमें 2 बार मानव रहित उड़ानें और 1 उड़ान में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को कुछ दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसे भी 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 से देश को क्या मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से देश का मान बढ़ेगा। ग्लोबल स्पेस मार्केट में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बढ़ेगी। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए हौसला बढ़ेगा। आदित्य सूर्य मिशन के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। देश के बाद बात करते हैं कि चंद्रयान 3 से दुनिया को क्या मिलेगा। चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतर समझ जानने को मिलेगी। इंसानी बस्ती की संभावनाओं को तलाश जा सकेगा। कम खर्च में मिशन लॉन्च करने की राह आसान होगी। भविष्य में अंतरिक्ष की खोज के लिए चंद्रमा पर स्टेशन भी होगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। वर्टिकल वेलोसिटी बहुत तेज हुई तो लैंडर के हादसे की आशंका हो सकती है। रफ्तार बहुत तेज हुई तो लैंडर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाएगा। चांद की सतह पर गड्ढे लैंडिंग में मुश्किल पैदा करेंगे। थ्रस्टर्स ठीक से काम नहीं करने पर लैंडर का बैलेंस बिगड़ सकता है। चंद्रमा की सतह की धूल सोलर पैनलों के लिए मुश्किल बनेंगे। सफल लैंडिंग के लिए लैंडर की गति को कंट्रोल करना होगा। हजारों किलोमीटर घंटे की रफ्तार 10 किलोमीटर घंटे से भी कम करनी होगी। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। लैंडर विक्रम और रोवर के पास सिर्फ 14 दिन है। चंद्रयान 3 के लिए आने वाले 14 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अगर 14 दिन बाद निष्कर्ष योजनाओं के हिसाब से निकलता है तो ये भारत के चंद्र मिशन के लिए एक और बोनस पॉइंट होगा।
हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हमने आपको चंद्रयान 3 और इसरो के आगे आने वाले मिशन से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।